ज़बात हवा ओ साफ बागन मग तिल गोगल बेई ओ सा तत हज आ छोट डियर बेन की ही कशिरस तो जीन रचिन तो शी। लडीशा में आप में एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैमरा को फेस नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों के सामने आके बोल नहीं सकते हैं ये चीज़। एंड दैट टू लडीशा बोलना, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल, ना ही ये नॉर्मल स्पीच देना है, ना ही ये नॉर्मल गाना गाना है। इट इज़ समवेयर बिटवीन दीज टू थिंग्स। ये एक क्या कहते हैं उसको, हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल फोक बैलड का एक हिस्सा था ये। मेरी जनरेशन के, मुझे नहीं लगता अभी मेरे बगैर शायद एक और मेल हैं जो परफॉर्म करते हैं लडीशा। मैं मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का सही से, लेकिन जितना देखते हैं इर्द गिर्द कोई मालूम नहीं पड़ता कोई नाम ऐसा कि जो अभी यूथ में जो हो, जो इस चीज़ को बड़े डेडिकेशन से फॉलो कर रहा हो। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप इज़ कि इसको वापस रिवाइव किया जाए, पहले लोगों को इसकी अहमियत बताई जाए, लोगों को ये बताया जाए इसको प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट है। मेरा ये चीज़ है कि देखें, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो मैं इसको एज फुल टाइम रखना चाहती हूँ अपने साथ, लेकिन यही चीज़ है कि आई वॉन्ट अ सपोर्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, चूँकि दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर माई पर्सनल बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने पर्सनल पब्लिसिटी के लिए मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने सिंगिंग या कुछ ऐसा करना शुरू किया है। दिस इज़ समथिंग एसोसिएटेड विद कश्मीर, दिस इज़ समथिंग पार्ट ऑफ कश्मीरी कल्चर जो मैंने आगे लेने का सोचा है।